हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से, और यहां परमानेंट बहाली निकाली गई है। इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को कितना सीट निकला है, कौन से ट्रेड के लिए, सैलरी कितना मिलता है, फ़ीस कितना लग रहा है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इस फॉर्म को कैसे भरना है, सारा डिटेल मैं आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर से लिख कर आ रहा है सब्सक्राइब वाला बटन, ठीक है, उसको प्रेस कर देना है और अपने कैंडिडेट जो आईटीआई किए हो, दोस्त हो, उसको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि ये डिपार्टमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोल सकते हैं एक राज्य सरकार का नौकरी है और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर एंड इट्स अफिलिएटेड वेरियस जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि राजस्थान सरकार का ये एक तरह का जॉब है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें कितना सीट है और कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं नीचे ले चलता हूँ, तो यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सीरियल नंबर 11 पे 23 पोस्ट है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर के लिए 20 सीट है। फिटर के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 15 सीट है। वेल्डर के लिए 6 सीट है। हेल्पर के लिए 27 सीट है। तो इतना सीट जो है वो आईटीआई वालों के लिए है और ट्रेड के लिए है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सैलरी के बारे में, सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो आपका ग्रेड पे है ये आपका 2800 है और पे बैंड आपका है 5200 से 20200 समथिंग। अब अगर 2800 का ग्रेड पे के समथिंग मैं दिखा देता हूँ पे मैट्रिक्स में कितना बेसिक आप लोग का बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये राजस्थान सरकार का पे मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो 2800 ग्रेड पे है यहाँ पे L8 और L9 है। L8 में आपका 26300 बेसिक बनेगा और L9 में आपका 28700 बेसिक बनेगा। मान के चलिए समथिंग आपका 30 से 35 हज़ार रुपया आपका पर मंथ ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, ठीक है। तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये डिपार्टमेंट के द्वारा और सभी जगहों पे इतना सैलरी नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार के समथिंग मिलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फ़ीस कितना लग रहा है। तो फीस जो जनरल कैंडिडेट है, OBC है, उनको 1200 रुपया लग रहा है और SC ST जो है उनके लिए आपका 600 रुपया यहाँ पे लग रहा है। क्वालिफ़िकेशन की मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। आपको 2 ईयर का ITI पास रहना चाहिए आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और साथ ही साथ आपका 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना चाहिए एज ए राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक। ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन का। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका टेक्निकल का क्वेश्चन रहेगा, मान के चलिए ज़्यादातर आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट बी में आपका जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है यहाँ से पूछा जाएगा। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफ़िकेशन की बात में। आप लोग जो अदर ट्रेड के हैं फिटर वाले वो लोग भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता देता हूं कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या इसका इम्पोर्टेंट डेट है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 29 तारीख से लेकर के 26 फरवरी तक का समय दिया गया है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और वेबसाइट का मैं बता देता हूँ एड्रेस क्या है। तो वेबसाइट का नेम है www.sarasmilkfed.rajasthan.gov.in पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सारा डिटेल आप लोग को बता दिया हूँ, कितना सीट है, कौन सा ट्रेड के लिए है, सैलरी एग्जामिनेशन फ़ी कितना लग रहा है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आप लोग को सारा डिटेल आप लोग को बता दिया हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।